ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट गैंग के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट गैंग के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सुनील शेट्टी ने सीएम योगी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के पास अपनी आवाज पहुंचा दी है बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म करने के लिए। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गया है और किसी न किसी बहाने से फिल्म का बॉयकॉट करने उतर जाता है। इस बॉयकॉट गैंग से फिल्में प्रभावित होती है और कई बार प्रोड्यूसर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सुनील शेट्टी ने मैदान पकड़ा है और योगी से लेकर मोदी तक हर जगह इस पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। सुनील शेट्टी ने सीएम योगी के सामने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सिनेमा घरों तक दर्शकों को लाना जरूरी है और इसके लिए आप बॉयकॉट करने वालों को रोकिए। बॉलीवुड के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ है, हम में से 99% लोग ड्रग्स नहीं लेते। सुनील शेट्टी ने जब सीएम योगी से गुहार लगाई थी बॉयकॉट गैंग को रोकने के लिए, तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। शायद इसीलिए सुनील शेट्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाई है और कहा है कि लोग मुझे फ्लॉप एक्टर कहे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता।